हैरेसमेंट एक ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त, एक बड़ी समस्या है जो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, हमें क्या हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्री को, क्योंकि सब जगह की खबरें आ रही हैं, और सिर्फ एक्नॉलेज करके प्रेजेंट केसेस सॉल्व करने ही अहम मुद्दा नहीं है। अहम मुद्दा है करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, कोर्स करेक्शन जिसको हम कहते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग वर्कशॉप्स, अवेयरनेस, काउंसलिंग सेशंस, सिंपोजियम सब कुछ करेंगे, साथ में जो केसेस हैं वो हैंडल भी करेंगे। एक स्पेशल कमेटी बना रहे हैं जिसमें ज़्यादातर महिलाएं होंगी, बाहर के लोग भी होंगे, लॉयर्स होंगे, इंडिपेंडेंट लोग होंगे, तो माहौल कुल मिलाकर ऐसा बने कि कंप्लेंट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया कमेटी का, कौन कौन होगा जी? फिलहाल जिन्होंने हामी भरी है उनके नाम मैं बता सकता हूँ, रवीना टंडन जी हैं, रेणुका शाहने जी हैं, अमोल गुप्ते हैं, ये हमारे सदस्य हैं। इसके अलावा न्यूट्रल लोगों में भारती दुबे जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वेल नोन काफ़ी टाइम से। पॉश एट वर्क एक संस्था है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, उसके जो सदस्य हैं सना हकीम हैं, शिवांगी हैं, एक और हैं, तो वो लोग भी इसका हिस्सा होंगी। हमारी मांग, इकलौती मांग ये है, इंडस्ट्री स्टेटस दे दें, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अपने आप आ जाएंगे। दूसरी मांग ये है कि एक कानून बना दें पूरे एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर के लिए ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हमारे हक क्या हैं, प्रोड्यूसर के अधिकार क्या हैं, हमारे राइट क्या हैं, हमारे ड्यूटी क्या है, प्रोड्यूसर की ड्यूटी क्या है, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर कहूँ सीधे, वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो सब आप लिख दें तो फिर तो यूनियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।